हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर की एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 के अंदर हमारे को क्या समझना है, सबसे पहले मैंने बोर्ड पर लिख दिया, पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद में मैं इसको आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। तो एक्टिविटी 4 के अंदर हमारे को क्या करवाना है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaO, जिसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे को क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में या फिर वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक नाम से और जाना जाता है, स्लैक्ड लाइम, हिंदी के अंदर इसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है और कभी कभी इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। साथ में इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी। अब ये हीट इवॉल्व हो रही है, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आएगा, कि रिएक्शन का से पहले जो टेम्परेचर होगा और रिएक्शन के बाद में जो टेम्परेचर होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जब भी कभी दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हीट रिएक्शन से बाहर निकल रही है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, और जब कभी भी हीट रिलीज होती है तो ऐसी रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का यूज ही दीवारों के ऊपर वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। आजकल तो एशियन पेंट वगैरह ऐसे बहुत सारे पेंट्स आ गए हैं जो डायरेक्ट क्या होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, मतलब कि पहले से ही बने हुए होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। लेकिन गाँव के अंदर आज भी जाओगे जो पुराने घर बने होंगे उनके अंदर व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सी चीज़ यूज की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज किया जाता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बीकर लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कुछ पीसेस मैंने ले लिए हैं, और साथ में मैंने एक थर्मोमीटर ले लिया जिससे कि मुझे टेम्परेचर में चेंज आएगा उसको हमारे को पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जिसको मैं पहले ही पानी के अंदर डुबो के देख लेता हूँ। इस वक्त पानी का टेम्परेचर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो मर्क्यूरी का लेवल है, रेड मर्क्यूरी का, वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आ रहा है। यानी कि इस वक्त क्या है, इस पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये ऐड करूँगा और फिर मैं इसका वापस से टेम्परेचर मेजर करूँगा कि देखते हैं कितना क्या चेंज आता है। हो सकता है कि इस रिएक्शन को होने में थोड़ा बहुत टाइम लगे, 2-4 मिनट बाद में ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, स्टार्टिंग में ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है। इसके लिए मैंने पहले से एक बीकर के अंदर थोड़ी देर पहले ये चीज़ मिला के रख ली है, तो मैं आपको इससे टेम्परेचर को मेजर करके बता दूंगा अगर इसके अंदर रिएक्शन धीरे धीरे होती है तो। इसके अंदर रिएक्शंस स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप थोड़े बहुत बबल्स निकलते हुए भी देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर बबल्स निकल रहे हैं। और ये जब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद में क्या होगा, हमारा एक वाइट, बिल्कुल वाइट सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, यही हमारा स्लेक्ड लाइम होगा। तो इसके अंदर रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, मे भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों को टेम्परेचर में कैसे चेंज आता है मैं आपको इसके थ्रू बता देता हूँ। तो इसके अंदर मैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डुबो के देखता हूँ, इस वक्त इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट है 25-30 के कहीं बीच में है, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको डुबोया तो इसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट 40 हो गया है, 40 से भी ऊपर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी कि जब इसके अंदर रिएक्शन हुई तो टेम्परेचर में चेंज हुआ, टेम्परेचर में राइज हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर हीट इवोल्व हो रही है। इस रिएक्शन से हम ये समझ सकते हैं कि एक तरीके की एक्जोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से साइंस के सभी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे की सारी एक्टिविटीज़ भी मैं बहुत जल्द इसी चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।